तो ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। हालांकि जब विपक्ष हंगामा करता है तो कहता है बातचीत से चलिए मसला सुलझा लें, और जब आज सरकार की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से ये हो रहा था तो भी वो कह रहे हैं चलिए बातचीत से मसला सुलझा लें। बातचीत की बात सब करते हैं लेकिन बातचीत करता कोई नहीं आशुतोष। दरअसल देखिए, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, महामहिम को लेकर राष्ट्रपति कह देना, इसको लेकर ना सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बल्कि कांग्रेस पार्टी चौतरफा अभी सियासी लपेटे में है और हर जगह से कड़ी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन कांग्रेस किस तरह से बचाव कर रही है आपको हम सुनवाते हैं दो प्रतिक्रिया, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको हम सुनवाएंगे। अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो किस तरह से बचाव कर रहे हैं ये भी यहां पर बताना और देखना जरूरी है। देखिए, राष्ट्रपति के अपमान पर ये जो घमासान मचा है, कहते हैं कि विपक्ष राई का पहाड़ बना रहा है यानी तूल दे रहा है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हमारे लिए राष्ट्रपति ही हैं, और दरअसल राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह देने को लेकर, महामहिम को ये बात कहने को लेकर, देखिए आगे, एक बात मुंह से निकल गई एक बार चूक हो गई, ये कहना है अधीर रंजन चौधरी, सफाई दे रहे हैं। और इस बीच सोनिया गांधी की अगर बात कर लें तो कहती हैं कि अधीर रंजन अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं, पहले ही माफी मांग चुके हैं सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष। इसको लेकर जो भी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है उस पर कांग्रेस बचाव कर रही है और कहती हैं, खुद सोनिया गांधी लिखती हैं कि अधीर रंजन चौधरी पहले ही माफी मांग चुके हैं, और इसके साथ अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हमारे लिए राष्ट्रपति ही हैं, एक बात मुंह से निकल गई और एक बार चूक हो गई यानी कि जबान फिसल गई, ये उनका कहना है। कहते हैं सफाई के तौर पर विपक्ष राई का पहाड़ बना रहा है, किस तरह से प्रतिक्रिया आई आपको हम सुनवाएंगे। जी का मान वापस नहीं लिया आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस, अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु वाज सेंट टू द हाईएस्ट। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया, आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस, अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, You sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent. चूक हुआ कितने बार कहूँ? चूक हुआ मेरे एक बार से निकल चुके हैं संसद में, बोलने कि अंदर बात तो नहीं हुई ना, आपको लगता है सर गलती हो गई, आपसे माफी की मांग कर रहे हैं। ना कहा माफी मांगे, किससे माफी मांगे, मैं एक बार गलती से चूकी कितने बार कहूँ। बीजेपी के महिला सांसद प्रोटेस्ट किया, करने दीजिए, मैं कुछ गलती की नहीं तो क्या करूँ, मैं चूक हुई मैं कह रहा हूँ कि चूक हुई है। एक बार माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो, जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष के साथ सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी, इस देश से मानित करना देता सदन द्वारा। अध्यक्ष महोदय, मूल्य विहीन संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है, सड़क पर और संसद पर माफी। जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसाला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के, सिंपली द इश्यू इज ग्रोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, द वर्ड
had been uttered yesterday. Only one. Because yesterday I have given number of answers to the media people. Nowhere, never I had uttered this word, but for once. And for once. And that was also by default.